नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत ईश्वरवाड़ा में विधायक प्रदीप लरिया और जिला पंचायत सदस्य सारता खटिक ने सम्मिलित होकर के और कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं प्रदेश भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की सभी को संकल्प शपथ दिलाई एवं ग्रामों की जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किशनपुरा सरपंच कृष्ण मुरारी यादव एवं हनोता परिषद और ईश्वरा सरपंच सचिव और ग्राम की जनता उपस्थित रही। आज मोदी जी की जो विकसित भारत की कल्पना है उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ईश्वरवाड़ा पहुंची है। जो 19 योजना है और आम जन के कल्याण की जो मोदी जी की गारंटी है उसका रथ लेकर आज हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आज मैंने यहाँ पर ईश्वरवाड़ा से लेकर नौता परिषद की 364 लाख रुपए की राशि सड़क के लिए दी है, जो 3.20 किलोमीटर बनेगी। साथ ही 38 लाख रुपए का एक मंगल भवन की आज यहाँ पर घोषणा की है, जो बहुत जल्दी यहाँ पर बनेगी। मैं समझता हूँ कि जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं जिसका लाभ आम जनमानस के लिए मिले, जिनको लाभ मिला है, उनकी जवानी लोगों को उनके माध्यम से लोग अवगत हुए हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य, और जो वंचित रह गए हैं ऐसी योजनाओं का अनुवाद उनके काम करवा कर आने वाले समय में लाभ देने का पूरा यात्रा के माध्यम से पूरा कार्यक्रम है। ऐसा है जब काम होता है, काम होते नहीं थे कांग्रेसी सरकार में, कोई कहता नहीं था। आज ही लगभग 3.64 करोड़ रुपए की सड़क की घोषणा की है, लोगों को लगता है कि ये भी सड़क बन जाना चाहिए, ये भी सड़क बनना जाना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग आने वाले समय में ये धीरे धीरे दिमाग में आता है कि आने वाले समय में क्या काम करना चाहिए। आने वाले समय में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पहले सागर से चलते थे और ईश्वरवाड़ा तक आने में 1.5 घंटा का समय लगता था। सागर में यदि गाड़ी में मोटरसाइकिल लेके मारी जाए तो मैं समझता हूँ कि 1/2 घंटा में हम ईश्वरवाड़ा में खड़े होंगे। ये काम विकास के लिए लगातार हो रहे हैं, लोगों की अपेक्षा भी बढ़ती है और आने वाले समय में उनकी अपेक्षा भी पूरा करेंगे।